नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल हमने प्रायिकता स्टार्ट की है। आज हम प्रायिकता का पार्ट नंबर 2 करते हैं और कल प्रायिकता का सामान्य परिचय किया था। सबसे पहले प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या था, प्रायिकता का फार्मूला क्या था कि अनुकूल परिणामों की संख्या अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। एक तो आपका ये फॉर्मूला था, दूसरा आने की प्रायिकता प्लस नहीं आने की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद देखिएगा, मैंने इसके प्रकार बताए थे कि प्रायिकता में कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो आपका फर्स्ट था सिक्कों से संबंधित प्रश्न, सिक्कों से संबंधित पहला टाइप का क्वेश्चन आता है आपका सिक्कों से संबंधित। अब सिक्कों से संबंधित में भी कितने प्रकार आए भाई, 3 प्रकार आए। नंबर 1, एक सिक्के को एक बार उछाला जाए, एक सिक्के को एक बार उछाला जाए। दूसरे टाइप में था एक सिक्के को, कल करवा चुका हूं मैं, थोड़ा सा रिपीट करवा रहा हूं, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए। तीसरा, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए। अब आप पता है एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितनी थी, 2, या तो बेटा हेड आएगा या क्या आएगा, 10। और एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो परिणामों की संख्या कितनी थी, 4। और एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो परिणामों की संख्या कितनी थी, 8। ये मैं कल करवा चुका था। आपका पहले टाइप का क्वेश्चन आता है सिक्कों से संबंधित। दूसरे टाइप का प्रश्न आता है पत्तों से संबंधित, कार्ड्स होते हैं ना कार्ड्स, पत्तों से संबंधित। और पत्तों में देखिएगा, ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से समझा देता हूँ मैं। दूसरा टाइप आपका आता है पत्तों से संबंधित, और आप जानते हो कि एक ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं और 52 कार्ड्स को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, 52 कार्ड्स को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक आपका होता है पान का पत्ता, एक आपका होता है ईंट का पत्ता, एक आपका होता है हुक्म का पत्ता, और एक क्या होता है, चीड़ी के पत्ते। अब देखिए बेटा कि इन 52 कार्ड्स को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। 13 कार्ड्स तो किसके होते हैं, पान के, 13 किसके होते हैं, ईंट के, और 13 किसके होते हैं, हुक्म के, और 13 ही कार्ड्स किसके होते हैं, चीड़ी के। अब देखो मैं प्रश्न यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक ताश की गड्डी को अच्छे प्रकार से फेंटा गया है तो बताइएगा पान का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी। अब बेटा देखो, एक ताश की गड्डी को अच्छे प्रकार से फेंटा गया है मतलब फीस मारी गई है, तो बताइएगा पान का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो सीधा ही लैंग्वेज हम जब प्रश्न करेंगे तब करेंगे, पहले आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा, इनको समझिएगा, अगर आपका ये बेस क्लियर है तो क्वेश्चन हम एक दिन में पूरा कर लेंगे एक्सरसाइज का जितने भी है। अब देखो, ताश की गड्डी को अच्छे प्रकार से फेंटा गया है तो अपने को ये पूछा है कि पान का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब पान के पत्ते कितने हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है भाई, 13, और कुल परिणाम कितने आते हैं, 52, तो 13 बटे में 52, 1 बटे में कितना हो गया, 4। इसी प्रकार आता है कि ईंट के पत्ता आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो ये भी कितने हैं भाई, 13, 13 बटे में 52। इसी प्रकार आ गया कि हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी, ये भी क्या हो गया, 13 बटे 52। इसी प्रकार आ गया कि चीड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी, ये भी कितना हो गया बेटा, 13 बटे में 52, अर्थात 1 बटे में 4। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनिएगा, 13 कार्ड्स पान के होते हैं और 13 ही कार्ड ईंट के होते हैं, और पान और ईंट के पत्तों का रंग होता है लाल,
क्या होता है, रेड कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, रेड कलर के। और हुकम और चिड़ी के पत्तों का रंग होता है काला, ये होते हैं काले रंग के कार्ड्स। अब यहां से दूसरा प्रश्न आता है, ध्यान से समझिएगा। एक ताश की गड्डी को अच्छे प्रकार से फेंटा गया है तो बताइएगा लाल रंग आने की प्रायिकता क्या होगी, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी। अब लाल रंग के पत्ते बोलो कितने हो गए बेटा, 13 पान के और 13 किसके भाई, ईंट के, 13 और 13 26, तो आपका कितना हो गया 26 बटे में टोटल कार्ड्स कितना है 52, 26 बटे में 52 अर्थात 1/2। इसी प्रकार मैं अगर बोल दूं कि काले रंग का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी तो भी ये कितना होगा बेटा 1/2। यहां तक क्लियर है। अब इसके अलावा देखिएगा, इक्के को ए से लिखा जाता है, दुग्गी से तिगी चुगी पंजी, ये ऐसे 2 से लेकर 10 तक लिखा हुआ होता है, दुग्गी से लेकर दहला तक उसमें लिखा हुआ होता है। गुलाम को जे से लिखा जाता है, बेगम को क्यू से, और बादशाह को किस से लिखा जाता है, के से लिखा जाता है। अब देखो 13 कार्ड्स होते हैं, इक्के को तो ए से लिखा जाता है, गुलाम को जे से लिखा जाता है, बेगम को क्यू से, और बादशाह को किस से लिखा जाता है, के से, और दुग्गी से लेकर दहला तक लिखा हुआ होता है। इसी प्रकार ईंट के भी 13 कार्ड्स होते हैं, इक्के को ए से लिखा जाता है, दुग्गी से लेकर दहला तक उस पर लिखा हुआ होता है, गुलाम को जे, बेगम को क्यू, और बादशाह को किस से लिखा जाता है, के से। इसी प्रकार बेटा हुक्म के भी पत्ते 13 होते हैं, इक्के को ए से लिखा जाता है, दो से लेकर दुग्गी से लेकर दहला तक लिखा हुआ होता है, गुलाम आपका जे, बेगम आपकी क्यू, और बादशाह आपका क्या होता है, के। इसी प्रकार चीड़ी के पत्ते में इक्के को तो ए से लिखा जाता है, दुग्गी से लेकर दहला तक लिखा हुआ होता है, और जोकर जे क्या होता है, जोकर, जो कि आपका क्या होता है, गुलाम, और ये होता है बेगम, और ये क्या है, बादशाह। यहां तक क्लियर है। मतलब कि 13 कार्ड्स में से आप मुझे बताएं इक्कों की संख्या कितनी है, कितने इक्के होते हैं, 4, गुलाम भी कितने होंगे, 4, मतलब कि आपके इक्के भी 4 हैं। ध्यान से समझना, इनमें से प्रश्न निकलेगा, इक्के भी 4 हैं। अच्छे से नोट्स बनाना, जब मैं प्रश्न करवाऊंगा तब दिक्कत नहीं आएगी। इक्के कितने हैं, 4, दुग्गी भी कितनी है बेटा, 4, इस प्रकार आपका दहला भी कितने हैं, 4, गुलाम भी कितने हैं, 4, बेगम भी कितनी है, 4, और बादशाह भी कितने हैं, 4। यहां तक समझ में आया कि नहीं। अब देखो मैं प्रश्न स्टार्ट करता हूं, जो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो ये और ये, अगर मैं बात करूं कि जोकर कितने हैं, गुलाम कितने हैं, तो बेटा गुलाम कितने हैं भाई, 4 हैं। कौन कौन सा, एक तो हो गया आपका कौन सा, पान का गुलाम, एक हो गया ईंट का गुलाम, एक हो गया हुक्म का गुलाम, और एक क्या हो गया, चिड़ी का गुलाम। जो आपका ये है गुलाम, बेगम और बादशाह, ये होते हैं फेस कार्ड, इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा, फेस कार्ड, तस्वीर वाले पत्ते। देखिएगा, गुलाम के ऊपर तस्वीर होती है, बेगम के ऊपर तस्वीर होती है, बादशाह के ऊपर तस्वीर होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फेस कार्ड। यहां तक क्लियर है कि नहीं, एक बार मैं फिर से थोड़ा रिपीट करवाता हूं बेटा। देखिएगा, टोटल कार्ड्स की संख्या होती है 52, और 52 कार्ड्स को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 हुक्म के होते हैं, और 13 ही चिड़ी के होते हैं। आपका पान और ईंट का रंग होता है लाल, और हुक्म और चिड़ी का रंग होता है काला। उसके बाद आप बेटा देखिएगा, प्रत्येक देखिए 13 पत्तों में इक्के को ए से लिखा जाता है, और दुग्गी से लेकर दहला तक लिखा हुआ होता है, गुलाम को जे से, बेगम को क्यू से, और बादशाह को के से। इक्के को ए से लिखा जाता है, दुग्गी से दहला तक लिखा हुआ होता है, और ये क्या है भाई, गुलाम, बेगम और बादशाह। इक्के को ए से लिखा जाता है, दुग्गी से लेकर दहला तक लिखा हुआ होता है, गुलाम, बेगम और बादशाह। इक्के को ए से लिखा जाता है, दुग्गी से दहला लिखा हुआ होता है, जे, क्यू और के। जो आपका ये जे है, मतलब गुलाम, गुलाम, बेगम और बादशाह, इन पे चित्र बने हुए होते हैं, तो इनको बोलते हैं बेटा फेस कार्ड। क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। अब देखिएगा इनमें से प्रश्न कैसे निकलते हैं, ध्यान से समझना। ताश की गड्डी को अच्छे प्रकार से फेंटा गया है,
ताश की गड्डी को अच्छे प्रकार से फेंटा गया है, तो ज्ञात कीजिए कि पान का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपका कितना हो गया, अनुकूल परिणामों की संख्या 13 होगी ना, और कुल परिणाम कितने हैं 52, तो आपका कितना हो गया 13/52 अर्थात 1/ कितना भाई 4। ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता 13/52, हुक्म का पत्ता आने की प्रायिकता 13/52, चीड़ी का पत्ता आने की प्रायिकता 13/52। अब अगला प्रश्न देखो, ताश की गड्डी को अच्छे प्रकार से फेंटा गया है, तो बताइएगा लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता, लाल रंग के कितने हो गए भाई 13 पान के, और 13 किसके भाई ईंट के, 13 और 13 कितने हो गए 26, तो आपका कितना आ गया 26/52। और काले रंग के पत्ते आने की प्रायिकता भी कितनी होगी 26/52। अगर प्रश्न ये आता है काले रंग के पत्ते नहीं आने की प्रायिकता, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ भाई लाल रंग के पत्ते के आने की प्रायिकता, तो ये भी कितना हो गया 26/52 अर्थात 1/2। अब अगला प्रश्न देखिए, एक ताश की गड्डी को अच्छे प्रकार से फेंटा गया है, तो बताइएगा कि पान का इक्का आने की प्रायिकता। अब बेटा देखो, पान का इक्का आने की प्रायिकता, पान के इक्के कितना है भाई, इक्के तो 4 है, बट पान का इक्का कितना है 1, तो कितना आ गया 1/52। अगर आ गया ईंट का इक्का आने की प्रायिकता, तो ईंट का इक्का कितना है 1/52। आ गया हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता, हुक्म का इक्का एक ही होता है ना, तो 1/52। चीड़ी का इक्का आने की प्रायिकता फिर कितना हो गया 1/52। अब यहाँ आ गया कि लाल रंग का इक्का आने की प्रायिकता, बेटा लाल रंग के इक्के कितने हैं 2, एक तो कौन सा पान वाला और एक कौन सा भाई ईंट वाला, तो आपका आंसर क्या रहेगा 2/52। अगर आता है कि काले रंग का इक्का आने की प्रायिकता, काले रंग के इक्के कितने हैं भाई 2, तो यहाँ भी कितना हो गया 2/52 या 1/ कितना आ गया 26। अब इसी प्रकार आ गया गुलाम, गुलाम में भी सेम है। अब सीधा प्रश्न ये आता है कि एक ताश की गड्डी को अच्छे प्रकार से फेंटा गया है, तो ज्ञात कीजिएगा इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। अब आप मुझे बताएं इक्का, मैंने जस्ट यहाँ इक्का बोला है, ना कि पान का, ना कि ईंट का, ना कि चीड़ी का, ना कि हुक्म, ना मैंने यहाँ ये बोला है कि लाल रंग का, ना मैंने ये बोला है कि काले रंग का है, मैंने जस्ट सीधा कहा है कि इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। तो इक्के बेटा कितने हैं भाई 4 हैं, तो क्या आ गया आपका 4/52, 4/52, 1/13, बोलो क्लियर है कि नहीं। अब अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार दुग्गी तिग्गी गुलाम बेगम बादशाह सारे हैं। अब देखो प्रश्न क्या है, एक ताश की गड्डी को अच्छे प्रकार से फेंटा गया है, तो ज्ञात कीजिएगा कि फेस कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगी। फेस कार्ड भी नाम आ सकता है, तस्वीर वाले पत्ते भी आ सकते हैं। अब बेटा मेरे को ये बताएं तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, अब तस्वीर वाले पत्ते देखो कितने होंगे 4, 4, 8 और 4, 12, 12/ क्या आ गया 52। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अब एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करते हैं, ताश की गड्डी में टोटल कार्ड्स होते हैं 52, 52 कार्ड्स को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, 13 कार्ड्स पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 चीड़ी के होते हैं, 13 हुक्म के होते हैं, उसमें से पान का पत्ता और ईंट के पत्तों का रंग लाल होता है, और चीड़ी का पत्ता और हुक्म के पत्तों का रंग क्या होता है भाई काला होता है। उसके बाद प्रत्येक 13 पत्तों में एक इक्का होता है, दुग्गी से लेकर दहला तक होता है, और गुलाम को जे से प्रदर्शित किया जाता है, बेगम को क्यू से, और बादशाह को किस से लिखा जाता है के से। और जो आपका गुलाम बेगम और बादशाह है, इनको बोला जाता है फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ते। इसी प्रकार आपका ईंट के 13 पत्ते हैं, इक्के को ए से, दुग्गी से लेकर दहला तक लिखा हुआ होता है आपका गुलाम बेगम और बादशाह। तो आपका गुलाम बेगम और बादशाह इनको क्या बोलेंगे भाई फेस कार्ड। इसके बाद देखिएगा हुक्म के पत्ते भी ए 2 से लेकर 10 तक जे क्यू के, इनको क्या बोलेंगे भाई फेस कार्ड। अब यहाँ देखिएगा चीड़ी के कितने पत्ता 13, ए 2 से लेकर 10 जे क्यू और के, इनको क्या बोलेंगे फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ते। उम्मीद करता हूँ कि अगर समझ में आ रहा होगा कि सिक्कों से संबंधित आए तो आपको कुल परिणामों की संख्या पता होना चाहिए। अच्छे से नोट्स बनाना, आप प्रश्नावली देखना, फिर आपके लिए बेटा कितनी इजी होगी। कि सिक्कों से संबंधित आई तो तीन ही प्रकार है ना, एक सिक्के को एक बार उछाले तो कुल परिणामों की संख्या 2, एक सिक्के को 2 बार उछाले तो कुल परिणामों की संख्या 4, और एक सिक्के को 3 बार उछाले तो कुल परिणामों की संख्या 8, जो कि मैंने पिछली क्लास में विस्तारित रूप से बता दिया है। और आज आपका ये रहा है दूसरा, पत्तों से संबंधित टोटल कार्ड्स होते हैं 52, 4 भागों में डिवाइड किया जाता है 13, 13, 13, 13, उसमें से इक्के को ए से लिखा जाता है,
और आपका दुग्गी से लेकर दहला तक लिखा हुआ होता है, गुलाम को जे से, बेगम को क्यू से और बादशाह को के से। ये था आपका दो नंबर। अब देखिए टाइप है, एक टाइप का नंबर आपका कौन सा आता है, पत्तों से संबंधित। दूसरे टाइप का आता है आपका एक हो गया सिक्कों से संबंधित, और दूसरा कौन सा हो गया पत्तों से संबंधित। तीसरा आता है आपका पासा से संबंधित, तीसरा आता है आपका पासा से संबंधित। ध्यान से समझना, इसको भी ध्यान से समझना बेटा। तीसरा आता है आपका पासा से संबंधित, पासा से संबंधित। पासा डाइस जानते हो ना, सांप सीढ़ी खेलते हो ना डाइस वाला, उसी को क्या बोला जाता है पासा। अब आपका आता है पासा से संबंधित। अब पासे से संबंधित भी दो प्रकार के होते हैं, एक पासे को एक बार उछालने पर, एक पासे को एक बार उछालने पर, कितनी बार उछालने पर एक बार, और एक पासे को दो बार उछालने पर, या दो पासों को एक साथ उछालने पर। एक पासे को एक बार उछालने पर, और ये क्या है भाई दो बार उछालने पर। जिस प्रकार सिक्कों में एक बार और दो बार था ना, उसी प्रकार डाइस में भी क्या है, एक पासे को एक बार उछालने पर और या एक पासे को दो बार उछालने पर। अब आप अंदाज लगाइएगा, या मैं दो पासों को एक साथ, ऐसे भी आ सकता है दो पासों को एक साथ उछालने पर। आप बेटा ये ध्यान से समझिए, पहले तो मैं एक पासे से संबंधित लेता हूं, एक पासे को एक बार उछालने पर, या एक पासे को उछालने पर आप ऐसे भी लिख सकते हो। एक पासे को उछालेंगे तो पासे के अंदर आप मुझे ये बताइएगा, एक तो क्या होता है एक दो तीन चार पांच और छह, इस प्रकार होता है ना, एक दो तीन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह। एक पासे को उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है बेटा, कुल परिणामों की संख्या एक पासे को उछालने पर, एक पासे को उछालने पर, उछालने पर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या आपकी होती है छह। कितनी होती है छह, कौन कौन सी, एक दो तीन चार पांच और छह। एक पासे को उछालने पर कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है छह होती है। अब बेटा आप देखिएगा इनमें प्रश्न कैसे निकलता है, एक पासे को उछाला जाता है तो बताइएगा कि एक से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी छह, एक से बड़ी संख्या कौन कौन सी है, दो तीन चार पांच छह, अर्थात एक से बड़ी संख्या कितनी है पांच, तो आपका क्या आ गया पांच बटे छह। दो से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता एक दो तीन चार, चार बटे में छह। तीन से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता एक दो तीन, तीन बटे छह, अर्थात एक बटे दो। चार से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता फिर आपकी क्या आ गई एक बटे दो। पांच से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता एक बटे चार से बड़ी आने, चार से बड़ी आने की प्रायिकता क्या होगी, चार से बड़ी देखो कितनी है एक और एक दो, दो बटे में छह। और फिर देखो पांच से बड़ी आने की एक बटे में छह। अब बेटा देखिएगा छह से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, छह से बड़ी संख्या है क्या इसमें, नहीं है, तो कितनी होगी बेटा जीरो, जीरो बटे में छह, अर्थात क्या होगी जीरो। और दूसरा क्या आता है एक से छोटी संख्या आने की प्रायिकता, अब बेटा देखिएगा एक से छोटी संख्या है क्या इसमें, नहीं है, तो क्या होगी जीरो, जीरो बटे में छह। पहले ध्यान से इनको समझ लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा, जब हम एक्सरसाइज के प्रश्न करेंगे तो बेटा डिटेल से एक एक लाइन लिखवाऊंगा, ठीक है, पहले समझ लीजिए। दूसरा आता है सम संख्या, सम संख्या बेटा, सम संख्या कौन सी होती है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, दो चार छह डैश डैश डैश। अब देखो प्रश्न क्या आ गया, एक पासे को उछाला जाता है तो ज्ञात कीजिए कि सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब सम संख्या ढूंढो भाई, दो चार और छह कितनी है भाई तीन, तो आपका आंसर क्या रहेगा तीन बटे में छह, अर्थात एक बटे में दो। अब दूसरा आता है बेटा विषम संख्या। अब यहां देखिएगा मैं अगर विषम संख्या की बात करूं, एक तीन और पांच,
एक पासे को उछालने पर ज्ञात कीजिए कि विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो क्या होगी बेटा, एक दो तीन, तीन बटे में छः अर्थार्थ है एक बटे में दो। और तीसरा आता है आपका फर्स्ट सेकंड, थर्ड आता है अभाज्य संख्या, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है भी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करता हूं तो बेटा कि एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद पांच। अब यहां देखिएगा, ये याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, दो, जो कि एक अपवाद है कि सम संख्या भी है, ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, दो, फिर उसके बाद तीन, पांच। अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, तीन। अब देखो, एक पासे को उछालने पर ज्ञात कीजिए कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अभाज्य संख्याएं कितनी है बेटा, तीन, तीन बटे में छः अर्थात एक बटे में दो। यहां तक क्लियर है, ये तो था एक पासे से संबंधित। अगर एक पासे को उछाला जाता है तो आपका आता है कुल परिणामों की संख्या, और बेटा आपके कुल परिणामों की संख्या होगी छः। इसमें से आ सकता है एक से बड़ी संख्या आने की, दो से बड़ी संख्या आने की, तीन से छोटी संख्या आने की, जो कि हम प्रश्नों में सब करेंगे। एक बार मैं समझा चुका हूं, आप अच्छे से नोट्स भी बनाना। अब आता है एक पासे को दो बार उछालने पर या दो पासों को एक साथ उछालने पर। अब देखिएगा, दो पासों को एक साथ उछालने पर, आप देखिए, अब दो पासों को एक साथ उछाल रहे हैं बेटा, या एक पासे को दो बार उछाल रहे हैं। अब यहां ध्यान से समझना, अब आप मेरे को यह बताएं कि एक दो पासों को एक साथ उछाल रहा हूं, तो एक पासे में भी कहां तक लिखा हुआ होता है, यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि एक पासा है ये है, इस पे क्या लिखा हुआ है, एक दो तीन चार पांच छह। प्रत्येक प्रश्न में जब आप दो पासों से संबंधित कोई भी प्रश्न करो तो आपको ये सारणी बनानी पड़ेगी। अब देखो, एक पास है, एक पासे में एक दो तीन चार पांच छह लिखा हुआ है, दूसरे में भी एक दो तीन चार पांच छह ये लिखा हुआ होता है बेटा। अब दो पासों को एक साथ उछाल रहे हैं, हो सकता है दोनों में क्या आ जाए, एक और एक, या क्या आ जाए, एक और दो, या क्या आ जाए, एक और तीन। ये सारणी बनानी पड़ेगी आपको, एक और चार, या क्या आ जाएगा, एक और पांच, या क्या आ जाएगा, एक और छह, या आ सकता है पहले में दो दूसरे में एक, पहले में दो दूसरे में दो, इसके अनुसार। यहां तो दो दो चलेगा, इसके सामने कितना है, तीन, या क्या हो सकता है, दो चार, या क्या हो सकता है, दो पांच, या क्या हो सकता है, दो छह, या हो सकता है बेटा तीन एक। ये सारणी बनानी पड़ेगी प्रश्न में, तीन दो, या आ सकता है तीन तीन, यह आ सकता है आपका तीन चार, यह आ सकता है तीन पांच, यह आ सकता है तीन छह, यह आपका आ सकता है चार एक, यह आ सकता है चार दो, यह आ सकता है चार तीन, यह आ सकता है चार चार, यह आ सकता है चार पांच, यह आ सकता है चार छह। इनके अलावा आ सकता है पांच एक, यह आ सकता है पांच दो, यह आ सकता है पांच तीन, यह आ सकता है पांच चार, या आ सकता है पाँच पाँच, या आ सकता है पाँच छः, या आ सकता है छः एक, या आ सकता है छः दो, या आ सकता है छः तीन, या आ सकता है छः चार, या आ सकता है छः पाँच, या आ सकता है छः छः। मतलब कि कुल परिणामों की संख्या, आपका कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या आएगी आपकी कितनी बेटा, 36। इंपॉर्टेंट है भाई, एक पासे को दो बार उछालने पर या दो पासों को एक साथ उछालने पर, एक पासे को दो बार उछाल रहा हूं मैं, तो एक में कितना है, एक से लेकर छह, दूसरे में भी कितना है, एक से लेकर छह, तो क्या प्रायिकता बन सकती है, एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह, या दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छह, या बन सकती है तीन एक, तीन दो, तीन तीन, तीन चार, तीन पांच और तीन छह, या बन सकती है चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच, चार छह, या बन सकती है पांच एक, पांच दो, पांच तीन, पांच चार, पांच पांच, पांच छह, या बेटा आपकी बन सकती है छह एक, छह दो, छह तीन, छह चार, छह पांच, छह छह। बस आपको करना क्या है बेटा, एक तो ये ध्यान रखना कि एक ये आपको ये लिखना है एक से लेकर छह तक,
यहां भी एक से लेकर छह तक लिखना है, फिर इसके सामने जो भी आए ना वो लिखते जाना, ये आपकी सारणी बन जाएगी यहां तक। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। दो पासों को एक साथ उछालने पर या एक पासे को दो बार उछालने पर कुल परिणामों की संख्या आपकी आती है 36। कुल परिणामों की संख्या आती है 36। इनके प्रश्नों की बात करेंगे जब प्रश्न आएगा तब समझाता हूँ, बस आपको अभी नोट्स में ये पता होना चाहिए कि कुल परिणामों की संख्या कितनी होती है 36। इसके बाद आता है बेटा आपका लीप और एलीप वर्ष से संबंधित। इसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप आता है, चार नंबर में आता है लीप और एलीप वर्ष से संबंधित, लीप वर्ष और एलीप वर्ष से संबंधित, एलीप वर्ष से संबंधित। यहां ध्यान रखना इसमें होते हैं 366 दिन और इसमें होते हैं 365 दिन, यहां होगा आपका 52 सप्ताह, ये लिख लेना बस, प्रश्न में करेंगे इनके, 52 सप्ताह और दो दिन, यहां लिखना 52 सप्ताह, 52 सप्ताह और एक दिन। आपका जो लीप वर्ष होता है उसको, उसमें कितने दिन होते हैं 366 दिन होते हैं, और एलीप वर्ष होता है उसमें कितने दिन होते हैं 365। 366 दिन का मतलब हो गया बेटा 52 सप्ताह और कितने दिन भाई, दो दिन, और एलीप वर्ष में आपका 52 सप्ताह और एक दिन। जिस साल में चार का पूरा पूरा भाग जाता है वो आपका लीप वर्ष कहलाएगा, और जिसमें चार का भाग नहीं जाएगा वो क्या कहलाएगा, एलीप वर्ष कहलाएगा। 2020 लीप है कि एलीप, 2020 में चार का पूरा पूरा भाग जा रहा है अर्थात लीप वर्ष है, और इस 2020 में कितने दिन होंगे भाई 366 दिन, 366 दिन का मतलब हो गया आपका 52 सप्ताह और कितने दिन, दो दिन, और एक एलीप वर्ष हो गया कितना भाई 365, इसमें कितने होते हैं 52 सप्ताह और एक दिन। इसके अलावा आपका पांचवा टाइप है अन्य, संख्या से, संख्या पद्धति से संबंधित, संख्या पद्धति से संबंधित। इनके अलावा कोई प्रश्न नहीं है संबंधित, संख्या पद्धति से संबंधित। इसमें आप क्या करोगे बेटा, प्राकृत संख्या आपको पता है, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्या के बारे में आ जाएगा, पूर्ण संख्या के बारे में, बट मोस्टली आता है जो अभी मैंने बताया, नंबर एक सम संख्या के बारे में। अब सम संख्या आप जानते हो दो चार छह, सम संख्या के बारे में। नंबर दो होता है विषम संख्या के बारे में, मोस्टली एग्जाम में यही आता है सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, और तीसरा आपका आता है अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। आपका पहला टाइप था सिक्कों से संबंधित, दूसरा टाइप था पत्तों से संबंधित, तीसरा टाइप था आपका पासों से संबंधित, चौथा टाइप था आपका लीप वर्ष और एलीप वर्ष से संबंधित, पांचवा टाइप आपका क्या है संख्या पद्धति से संबंधित। और बेटा आप संख्या पद्धति में जानते हो, पहला संख्या पद्धति में पहला आता है सम संख्या। अभी मैंने जस्ट पासे में भी आपको बताया था कि सम संख्या कौन सी होती है, जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब कि दो चार छः आठ डैश डैश डैश। विषम संख्या का मतलब क्या हो गया भाई, एक तीन पाँच सात ये डैश डैश। उसके बाद अभाज्य संख्या की बात करता हूँ मैं, दो तीन पाँच सात ग्यारह, ये सारी क्या है बेटा अभाज्य संख्या। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज अपना कल वाली क्लास और आज वाली क्लास में बेटा अपने जो नोट्स का काम है, जो प्रायिकता के बारे में सामान्य परिचय हुआ है वो डिटेल से हो गया, हम अगली क्लास में एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और बेटा अगर समझ में नहीं आता, थोड़ा कम आता है, तो वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न किया है, और उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, और आप अच्छे से इनके नोट्स बनाना। अगर आपको ये क्लियर हो गया ना तो आगे एक्सरसाइज में आपको दिक्कत आएगी नहीं, देखना। और एक्सरसाइज में जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चनों को कुछ मौखिक रूप से बताया है, एक्सरसाइज में हम डिटेल से लिख के करेंगे एक एक प्रश्न, और आपको मैं शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बेटा अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, वो मैं दोबारा करवा दूंगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा। थैंक यू बेटा।